नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। मैं आज इस वीडियो में लगातार दृष्टि आईएएस का जो विकास नाम का एक प्रोफेसर, खुद को प्रोफेसर करने वाला, उसका चरित्र क्या है और वो प्रोफेसर कहलाने के लायक क्यों नहीं है, और यूपीएससी में ये हिंदूफोबिक एजेंडा और उनका थीरीज के बुक्स को कैसे छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, क्या ओबीसी और एससी एसटी के स्पेशल कोचिंग सेंटर नाम के में इन लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, और मोदी जी या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो लोग हिंदूफोबिक सीखने के बाद ये इन लोगों का एफिशिएंसी क्या होती है वर्क से, और जैसे इस ऐसे हिंदूफोबिक और लिबरलिज्म सीखने के बाद जब ये लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और खुद के जीवन में वो क्या सफल हुए, और कि रामायण पढ़ने वाले का जीवन साफल्यता कितना है। जब यूपीएससी ऐसे गंदी क्वेश्चंस पूछ सकती है तो मैं भी ऐसे एनालिसिस कर सकती हूँ कि रामायण पढ़ने वाले का जीवन सक्सेस है या यूपीएससी में या हिंदूफोबिक के लोगों को सक्सेस है, क्या इनका एफिशिएंसी क्या है वर्क में, मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों एक फैंटास्टिक जोक था कि एक स्टूडेंट का मानसिकता पर एक जोक था कि भगवान मैं तो एग्ज़ाम ठीक लिखा मगर आज मेरा एग्ज़ाम पेपर का वैलिडेशन है, तो इस एग्जामिनर का वाइफ से कुछ लड़ाई झगड़ाई फैमिली इश्यूज ना हो ताकि वो मेरा जो भी आंसर लिखा उसको परफेक्ट मार्क्स दे, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट एफिशिएंसी ही सही नहीं रहा तो मेरा आंसर कैसा वो समझ सकता है। ऐसा ये जो तब के काल में बहुत चलती थी, शायद आप लोगों को भी मालूम है। तो ये प्रोफेसर लायक क्यों नहीं है, क्योंकि ये आईएएस की लेवल का एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक एनालिसिस नहीं किया। ये खुद को क्लीन चिटने के लिए ललन टॉप शो में जाकर खुद को हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ किया, ये पार्ट वन वीडियो में बताऊंगी। हिंदुओं को फिर एक बार अपने झूठ से बेवकूफ़ बनाने के वजह जो प्रयास कर रहा है वो क्षमादायक लायक नहीं है। इसने ना ही किसी ज्ञानपीठ अवार्डी को या पद्मश्री को लेकर डेबिट में रखा, और उसका योग पुरुषोत्तम का बुक को और इस वाल्मीकि का रामायण के से तुलनात्मक आईएएस के लेवल, एक प्रोफेसर आईएएस के लेवल के ऐसे एनालिसिस करते हैं वैसा नहीं करा, तो इसका क्लीन चिट खुद को दे रहा है, कोई ने इसको क्लीन चिट नहीं दे रहा है। तो रही सेकंड बात, यूपीएससी का ऐसा सवाल कैसे पूछती है कि जब रामायण का काल ही तुम लोग या मैक्स मुलर या रोमिला तापेर या जा किसी ने भी रामायण का काल का सही टाइम जो यहाँ पे हिंदू से तुमको नकार रहे थे वो टाइमिंग का ही तुमको पता नहीं, तो तब के काल में क्या है स्त्रियों का हैरासमेंट है नहीं है, तो रामायण से कोट करने का तुमको क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो मैं यूपीएससी से पूछना चाहती हूँ क्या क्या थी कुरान में और उस काल में रामायण के काल में क्या सऊदी अरेबिया थी, क्या अफगानिस्तान थी, क्या यूरोपियन कंट्रीज में थी, कब उसका सिविलाइजेशन क्या थी भी पूछना है। तो अब जो जब मैं पूछूंगी तो हाँ ऐसा भी सवाल है बोल के बोलते हैं, मगर ये लोग कुरान से कोट करने का को धैर्य नहीं करते हैं, और ये 10 अमेंडमेंट्स का जो अब्राहम लिवाइन एंड एंगलिज्म करने वाला ये अब्राहम रिलीजन से भी कोई कोट नहीं करता, यहाँ के एग्जाम है बोल के यहाँ का रामायण में से जो नेगेटिव थाट्स के लिए यूज होते हैं वो शब्द यूज करके ये एग्जाम लिखने का कोशिश करते हैं, और इनके लिए 100% मार्क्स आने की वो लोग इसको सिखाते हैं। जो ही रामायण पढ़े नहीं, जो बच्चे रामायण पढ़े नहीं उस काल का कौन किसने एनालिसिस किया, तो ये पुरुषोत्तम योगेंद्र ने क्या इस बुक को सारे पंडितों ने ज्ञानपीठ अवार्डी हुए या लैंग्वेज पंडित ने तुमको तुमको प्रेजेंट करने के लिए बोला, कब ये लोग ऐसे पुस्तकों को दोस्तों सनातनी धर्मी कोर्ट्स में भी हार इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग 19 आर्टिकल 19(1) के आर्डम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के
कई अनगिनत रामायण पर गलत स्टोरीज गलत थीरी निकालने वाले इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग इन सारे लोगों का जवाब देने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये सटायरिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये यूपीएससी वाले भी हिंदू फोबिक एंजाइटी में काम करते हैं। जो भी इन लोगों से निकलने वाला सेक्रेटेरिएट ग्रुप कोई भी अगर सत्ता में कांग्रेस नहीं है या उनका फेवरेट गवर्नमेंट नहीं है तो ये लोग एफिशिएंसी का वर्क काम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे भी। क्योंकि आपने सुबह खान का जो एक्सपोज देखे होंगे कि बंगाल एसआई रिक्रूटमेंट में ओबीसी के नाम में कैसे मुस्लिम बचे तो यूपीएससी जिहाद इस्लामिक जिहाद वहाँ पे यूपीएससी में करे और 27 मेंबर्स मुस्लिम कम्युनिटी के से कैसे रिक्रूट होते हैं। तो आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि हिंदू फोबिक एजेंडा कर रहे हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि हम ओसी पर ओसी लोग तो कब के चले गए देश छोड़कर चाइना जापान वहाँ जाकर वो NRI बल्कि इस देश को संभाल रहे हैं। तुमको देश सौंप के गया है विकास 75 ईयर्स में 60 ईयर्स तुमने रिजर्वेशन का एंजॉयमेंट किया तो क्या एफिशिएंट वर्क तुमने बोला अन्य हिंदू फोबिक के एक साइड पे रखे तो तुम लोग तुम्हारे द्वारा गी गए लोग क्या एफिशिएंट वर्क करे। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कितना भी डेवलपमेंट करने का वो कितना ये EDOBSC रिजर्वेशन लाने का पहला एजेंडा है कि सेक्रेटेरिएट वर्क उनका एम्प्लॉयज कोई एफिशिएंसी वर्क 100 में से 30% भी एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा तो कैसे देश डेवलप होगा। ये खाली हिंदू फोबिक तक ही नहीं रह गया, ये अब सीरियस इश्यू देश की डेवलपमेंट के लिए लोग रुकावट बन रहे हैं। ये 60 ईयर्स एक एक जाकर वहाँ पे सेटल हो गए तो जो इसको इसको वर्क नहीं आती उस ऊपर से हिंदू फोबिक है। समझो कोई किसी ने मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए सपोज ये राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ट्रस्टी इस्लामी हिंदू फोबिक IAS बैठा तो कोई किसी और हिंदू धार्मिक पुजारी जाकर ये नहीं ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ये आगम शास्त्र हो तो उसको क्या समझ वो पहले से पढ़ के गया रट्टा सीख के गया कि हिंदुओं को कुछ रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं ये सिखा के हिंदुओं का तुम केयर नहीं करो वो काली टैक्स पेयर्स है उसका टैक्स लो तुम एंजॉय करो बोलने के सीख लेने वाले क्या एफिशिएंट वर्क करेंगे। और बहुत लोग है मुस्लिम्स में भी अपने देश के लिए काम कर रहे मैं वो 1% का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ 100% में अगर इतने लोग 30% 40% लोग रिजर्वेशन के नाम पे हिंदू फोबिक बन के सेक्रेटेरियल में घुस गए तो कैसा एफिशिएंट वर्क आती है ये आप ही बताइए। तो ये इस नॉर्मल इश्यू नहीं है इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। रही इस बटेबाज विकास का उस पुरुषोत्तम अग्रवाल से जैसे कोट करके फिर एक बार हिंदुओं को खुद अपनी रामायण पर घृणा आने की कोशिश जो किया वो माफ़ी लायक नहीं है। क्यों क्या मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों इसने कुत्ते चूतने वाले घी कितना खाने के लिए वो सुरक्षित नहीं है। तुम भी ऐसे ही अछूत बन गई हो मुझे तुम पर आसक्ति नहीं है तुमने क्या वो वर्ड्स वो सेम टू सेम वर्ड्स होना चाहिए तो सेम टू सेम वर्ड्स का कहाँ पे चेक करना है ऑथेंटिक बुक वाल्मीकि रामायण है उससे बढ़िया रामायण के बारे में कोई क्या कुछ कहे वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मगर अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना बढ़ गया कि दोस्तों इसको कंडेम करने की इसका सॉल्यूशन इनको सबक सिखाने की टाइम आ गई है। दोस्तों मैं कह रही हूँ विकास से भी पूछना चाहती हूँ क्या थी वाल्मीकि रामायण का टाइटल क्या रामायण का नाम दिया उनको ना रामायण का बुक का नाम क्या किसी को मालूम है क्या बोल रहा है ये और क्या कोट करना चाहते हैं क्या कैरेक्टर असैसिनेशन किया। वाल्मीकि रामायण ने सीतायास चरित्र महत उसका बुक का टाइटल रामायण नहीं
किसी ने राम जी का कैरेक्टर पसंद आए तो उनका ऐसा रामायण लिखा होगा, विभीषण रामायण, वाल्मीकि रामचरितमानस, संपूर्ण रामायण, ऐसा बोल के कितने वर्षन्स आए, मगर ये किसी ने भी ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन किया ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनका रामायण पढ़ने के लायक है। तुम्हारा तुम जो लिखा हो उस पर थूकने की ज़रूरत है। तो मैं इसको नंगा करने के लिए वाल्मीकि रामायण से ही आपको कोट पढ़कर एक वो खुद को क्लीन चिट देने के लिए अंबेडकर जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक अपने हाथ में लेकर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वही लिखा कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या खाली अंबेडकर था, इनका कोई सहायक नहीं था, कोई कोई चर्चा नहीं हुई, तो काले क्रेडिट अंबेडकर दिए। तो ये एक हम लोग सोचे चलो उनको भी क्रेडिट देते हैं, मगर ये क्रेडिट देते देते हम लोग पीछे रह गए, हमारा रामायण कभी हिंदू फोबिक में बन गए ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा। जब ये सच सामने आया तो हम लोग इनको कोर्ट्स में भी पूछ नहीं सकते, कोर्ट्स भी अंधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीख प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने आने वाले ये जजेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बैठने वाले ये सेक्रेटरी टेम्पल हाउस को कैसे मालूम होगी रामायण भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है, तुम जब पढ़ोगे तो क्या क्या सीख सकते हो जब तुमको मालूम ही नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली हार्वर्ड जाओगे। तो क्वेश्चन है कि क्या लंका कांड में 150 स्वर्ग में क्या जब सीता मैया को कैप्टिविटी से निकालकर उनके साम प्रस्तुत किया तो उनके दोनों के बीच संभाषण क्या हुई थी, क्या राम जी ने सीता मैया के सामने अपना संदेह प्रकट किया और डिसीशन प्रकट किया या गालियां दी, तो इसने जैसे कुत्ते अछूत वाले हैं क्या वो वर्ड्स थी वाल्मीकि रामायण, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स यही है। तो इसमें 115 सर्ग में से ये 20 श्लोक का कोट कर रहा है और इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो जब इसको जानना है तो पहले दो पद श्लोक भी है वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वाल्मीकि रामायण लंका कांड 115 सर्ग और सेकेंड श्लोक ये कहती है, एशासि विरजता भद्रे सूत्रं जिता रणजिरे पौरुषारुदं श्रेयं मामेति मायेत दूपादितम्। तो इसका श्लोक का अर्थ है कि वो मंगलदायिनी युद्ध रंग में शत्रुओं को हरा कर तुमको और एक बार मैंने जीता, जैसे किसी नारी अगर कुछ परेशान में है जो अन्य मानव पुरुष कैसे कैसे बिहेव करते हैं, मैं भी ऐसा ही युद्ध करके आपको मैं जीता हूँ, तो ये बोल रही है। इसमें श्लोक में भद्रे बोले तो मंगल प्रदायिनी, तो मंगल प्रदायिनी बोलने वाला नेक्स्ट श्लोक में वो राम जी उनको गालियां देने शुरू कर दी, तो सेकंड इसका कोट 20 श्लोक था। तो उससे पहले ये जब सीता मैया को पहली बार देखा तो जो पद्य था वो एतेषी भद्रम, तो मंगल प्रदायिनी तुमको मैंने फिर एक बार जीता, मंगल प्रदायिनी का शब्द उपयोग किया, गालियां नहीं दी। प्राप्ता चरित्र संदेह मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रे रूपेस्य प्रतिमालपि मे दृढ़म। इसका बोले तो चरित्र जो प्राप्ति चरित्र, तो एक रावण का अपहरण के वजह से जो चरित्र तुमने पाया है वो ऐसा है कि नेत्र के रोग से पीड़ित वाले सामने के पास अगर हम दीपक रहे तो कितना दर्द होता है, जो प्राप्तिक संदेश इस कैप्टिविटी की वजह से तो संदेशात्मक चरित्र तुमने पाया है वो ऐसा मुझे एक दीपक की जला जला रही है बोल रहे हैं, मगर गालियां नहीं दी। कि 20 श्लोक में राम जी ने वो कुत्ते का प्रस्ताव लाके उनको समझाया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये श्लोक, रावणाजक परक्लिष्टम दुष्टम ये दुष्ट चक्षुषा कदम त्वा कदम च पुनराच ददम कुलम
व्यापदशिन महत, इसका अर्ध है रण में सीता अपना अग्नि परीक्ष देने के लिए राम जी ने पौरुष वाक्य किया, उसमें मैं को डाउट नहीं कर रही हूँ, मगर जो वाक्य उसने बताया कुत्ता चूती तो घी की तरह, क्या वो सेंटेंस है कि नहीं वो बोलना चाहती हूँ। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल का काल्पनिक हिंदू फोबिक एजेंडा है। रावण ने चूहा तुमको, तुम रावण की कैप्टिविटी में हो और ऊपर से तुम एक सौंदर्यवती हो, तो कोई कुलवान कैसे तुमको फिर बिना संदेह किए अपना लेगा, बोल के इसका अर्ध है। तो सेकंड श्लोक वो कोट कर रहा है, तदार्धम निर्जिता में त्वम यस्य प्रत्युय हृतम माया नास्ति में त्वयम विष्णु यदेष्टम गम्यता मिति। तो वो कोला है कि मैं कुल और स्त्री की को रक्षा करना मेरा बाध्यता है, इसीलिए तुमको रक्षा करी, तुम ये भ्रम में नहीं रहो कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा। तो तुम रावण के कैप्टिविटी में रहने आने वाली हो और ऊपर से सौंदर्यवती हो, मैं बिना संदेह तुम्हें कैसे अपनाऊँ, आज अब मेरे तुम्हारे ऊपर आसक्ति चली गई, तुम मेरे साथ तो नहीं रह सकती, लक्ष्मण या शत्रुघ्न या विभीषण की किसी जगह पर आप रह सकती हो, या खुद का डिसीशन। वो पहले इस सर्ग में पहले 25वें श्लोक में बोल रहा है कि राम जी की मैं मेरा अपना संदेह तुम्हारे सामने प्रस्तुत रखता हूँ और मेरा डिसीशन भी तुम्हारे पास प्रस्तुत रखता हूँ, ये सुनो बोल के बोल रहे थे पहला पद। तो ये 21 श्लोक को कोट कर रहा है, उस कोट में से कहीं ये आपज्जनिक शब्द कुत्ता कुत्ती या ये घी का प्रस्ताव ही नहीं है, तो कैसे इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम में कैसे इन्हें बट्टेबाज ने यूज किया ये क्वेश्चन। तो ये दोस्तों ये नंगा हुआ, इसका कोई प्रस्ताव नहीं, ये काल्पनिक खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लिबर्टी लेकर ये रामायण लिखा, रामायण के ऊपर कोटेशन लिखा, ये इस श्लोक में नहीं है। और नेक्स्ट सर्ग 116 सर्ग में सीता मैया बोलती है वो कुलश्रेष्ठ राजश्रेष्ठ तुमने इतना शक अगर आपके मन में है तो हनुमान जैसे बलवान को मैं कहाँ हूँ पहुँचने का, मैं कहाँ हूँ देखने का, तो आपने क्यों प्रयास किया, आप क्रोप और आक्रोश में मुझे ऐसा संदेह की दृष्टि में देख रहे हैं कि आपको पता नहीं मैं अवजनी हूँ। बोले तो मैं साधारण आम जनता की तरह पैदा नहीं हूँ, मैं अवजनी हूँ, मेरा कुल मेरा शक्ति बल और आपके साथ मैं 13 ईयर्स आपके साथ वनवास करी, तब हम लोग केवल स्नेहित की तरह रहे। तो इससे रामायण से आप लोग क्या सीख सकते हो बोलो विकास, क्या इसमें स्त्री का हेरासमेंट है, या अगर अन्य प्रदेश में गए तो स्त्री का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये वाल्मीकि जी सीता या चरित्र महत बोलने का वजह ये थी या ये थी। 13 ईयर्स उन्होंने कोई दाम्पत्य जीवन नहीं बिताया या वनवासी ही रहे और वो स्नेहित की तरह रहे बोल के सीता मैया खुद ही एडमिट कर रही है। तो आप कैसे मुझे संदेह कर सकते, क्या आपको मेरा गुण नहीं है, आप केवल क्रोधित में मुझ पर संदेश हो रहे हैं। अगर आपका संदेश का समाधान तो मेरे पास अग्नि परीक्षा के सिवा कुछ और नहीं है बोल के वो लक्ष्मण जी को बोलती है कि आप चिता जलाइए। तो ये थी सीता या चरित्र महत। तो आप लोगों ने दोस्तों ये लोगों ने अग्नि परीक्षा को एक मार्क्सिस्ट एजेंडा में मिलाकर ये रामायण का मेरे जितना नॉलेज है रामायण का जो अमेंडमेंट्स जो खुद का फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म लेके जो लिख रहे हैं
ये बौद्ध का बीसी बौद्ध जन्म के वृत्तांत के बाद जब बौद्धिज्म इस देश में स्थापित हुई तब से रामायण और अन्य वैदिक संप्रदायों पर अटैक होना शुरू हुआ और मैं ये इस्लामिक काल में और ये ब्रिटिश काल में ये मार्क्सिस्ट काल में वो इतने हद तक गई जब से बौद्धिज्म में जो अटैक हुआ वो लोग मैंने। दोस्तों आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहती हूँ। रामायण बालकांड से शुरू होकर लंका कांड तक ही है। ये उत्तर रामायण या उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। उन्होंने ये पट्टाभिषेक के बाद राम और सीता मैया ने हैप्पीली 150,000 ईयर्स तक उन्होंने राज किया, अपना राज जो विस्तार किया वो कभी उसके उनके राज में ऐसे ड्रॉट्स या फेमेन नहीं आए। वो इतना सुरक्षित थे, उतना बलवान थे राम बोल के, और इतना हैप्पीली ने राम राज किया बोल के उन्होंने एंड करा। मालूम नहीं है, मैं उनको बोल रही हूँ। उत्तर रामायण वाल्मीकि जी का ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। वो किसने लिखा मुझे नहीं मालूम और वो किसी को भी नहीं मालूम।